हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, यस सर। सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा। लोग लास्ट क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देख रहे थे। हमने यस सर। क्या देखा था? अलग अलग कटायंस और अनायंस का फॉर्मूला देखा था। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो, एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन? आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस सर। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम लोग देख रहे थे, तो हम वही बुक शेयर करते हैं एनसीईआरटी का, उसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? आई थिंक हाँ, ये एक्टिविटी हम लोग करते करते फिर चले गए थे दूसरी जगह, अटेंस एंड एंस में चले गए थे। अच्छा, वो कहाँ है प्रत्युष? कहाँ है? और वो कहाँ है संस्कार? सर संस्कार तो पहले से बहुत दिन से ज्वाइन नहीं होता था, प्रत्युष का पता नहीं। वेट अ मिनट, फोन डाल देते हैं। Take one of the following sets X and Y of chemicals X and Y. X, copper sulfate 1.25 gram. Y, sodium carbonate 1.43 gram. Barium chloride 1.22 gram. And sodium sulfate 1.53 gram. Lead nitrate 2.07 gram. Sodium chloride 1.17 gram. Prepare separately a solution of any one pair of substance listed under X and Y, each in 10 ml of water. Take a solution of Y in a conical flask and solution of X in a small. In a solution of? Conical flask. Conical flask containing the solution of Y. Continue with it. Hang the small test tube in the flask carefully. See that the solution do not get mixed. Put a cork on the flask. Flask. इसको flask बोलते हैं, ठीक है? Yes, sir. Wake the flask with its content carefully. Now tilt and swirl the flask so that the solution X and Y get mixed. Weigh again. What happened in the reaction of flask? Do you think that a chemical reaction has taken place? Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and its content change? तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स और वाई कंटेनर में आपने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लिए, ठीक है? और इनका क्या होगा, आपस में रिएक्शन होगा, ठीक है? तो कैसे कैसे रिएक्शन होगा हम लोग इसको देखते हैं। पहला केस क्या लिया आपने, कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट लिया। कॉपर सल्फेट इज योर CuSO4, सोडियम कार्बोनेट इज Na2
CO3 ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? बोलो बोलो सर, Na2SO4 प्लस CuCO3 इसका कटायन इसके अनायन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, तो CuCO3 बन जाएगा और फिर इसका जो अनायन है, ठीक है, वो इसके कटायन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फिर बन जाएगा Na2SO4, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड केस में क्या होगा, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ले रहे हैं, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए सर, Na2SO4। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगा, तो इसका कटायन Ba+2 इसके एनायन के साथ रिएक्ट कर जाएगा SO4-2-, ठीक है, क्या बन जाएगा BaSO4+2NaCl। देन थर्ड केस में क्या है, लीड नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड डालना है, तो लीड नाइट्रेट इज Pb अंडर ब्रैकेट NO3+2 प्लस सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, मिलके क्या बनाएगा PbCl2 प्लस NaNO3, ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो आप लोगों का होमवर्क नंबर 1, सर PbCl4 भी तो बन सकता था ना, PbCl4 नहीं बनेगा, PbCl4 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर PbCl4 बना तो क्या होगा, PbCl4 बनने के लिए देखो Pb से Pb+2 बना या फिर Pb से Pb+4 बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि साथ में इसके कौन सा रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने डाला तब ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे NaCl क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये जितने भी रिएक्शन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, ऑल ऑफ दीज आर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, these are non redox reactions, in fact non redox ही नहीं, non redox reactions का पूरा कैटेगरी होता है, उसमें ये पर्टिकुलर तीनों रिएक्शन जो है वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, हर एक केस में आप देखो कुछ ना कुछ पीपीटी बन रहा है, जैसे PbCl2 का आपको यहाँ पे पीपीटी बनेगा, ठीक है, BaSO4 का यहाँ पे आपको पीपीटी मिलेगा, ठीक है, सर ये पीपीटी क्या है, प्रिसिपिटेट, ठीक है, तो ये तीनों चीज जो हमने सर्कल किया व्हाइट से, इसका आपको क्या मिलेगा, पीपीटी या फिर प्रेसिपिटेट, ठीक है, इसको एरो से आप लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, रिएक्शन में ऐसे डिनोट करेंगे, BaSO4 उसके नीचे इस तरह से एरो, ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क नंबर 1 हो गया, आप लोग को कलर पता करना है इन प्रेसिपिटेट्स का, ठीक है, कलर ऑफ these PPTs, ठीक है, तीन जो पीपीटी बना यहाँ पे CuCO3 BaSO4 और PbCl2, इसका क्या करना है आपको, कलर पता करना है, ठीक है, ओके, तो प्रेसिपिटेट मींस क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब वो चीज जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, जैसे सर तो इसका एग्जांपल ऑयल हो सकता है, नहीं ऑयल नहीं हो सकता, प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे सेटल कर जाए, ठीक है, सॉल्यूशन में आपके मिक्स नहीं हो और क्या हो, नीचे सेटल कर जाए, सर सैंड, सैंड भी कह सकते हैं लेकिन कहते नहीं है, जनरली रिएक्शन में जो जनरेट होता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, यस सर, ओ आ गए प्रत्युष, कहाँ थे, हाँ, प्रेसिपिटेट,
प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो पानी में इनसॉल्युबल हो और नीचे क्या हो, जमा रह जाए, ठीक है। तो आपका होमवर्क नंबर 1 ये हो गया, आपको इन तीनों प्रेसिपिटेट का कलर पता करना है, ठीक है। ओके, तो क्विकली इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडॉक्स नहीं हो रहा, ठीक है। एनी रिएक्शन वेयर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन is not taking place, okay. कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ना रिडक्शन हो रहा हो ना ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा, ठीक है। फिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये पता है आपको? नो सर। ओके, तो फिर अभी के लिए रहने दो, ये सब अभी जरूरी नहीं है। क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन। Just quickly take a screenshot from the audio. Tumne le liya screenshot? Yes, sir. Yes, sir. आपसे अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इनके बारे में आप बताओ। Weigh the class with its contents carefully, ठीक है? तो उनको मिलाने के पहले और उनको मिलाने के बाद जो वेट है वो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है? Now tilt and swirl so that get mixed, ठीक है? Weigh them again, ठीक है? तो पहले आपको क्या करना है? बिना मिलाए उसको वे करना है, ठीक है? जैसे फर्स्ट रिएक्शन को अगर हम देखें, यहाँ पे जो आपको वेट आएगा वो किसका आएगा? वेट ऑफ CuSO4 प्लस Na2CO3, ठीक है? फिर आपने क्या किया? दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये रिएक्शन होगा, जिस तरह से हमने यहाँ लिखा है उस तरह से रिएक्शन होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको वेट अगेन। तो दोबारा जब हम लोग उसका वेट कर रहे हैं तो हम लोग को वेट किसका कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली CuCO3 प्लस Na2SO4 का, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन क्लास। तो रिएक्शन क्लास में क्या आपको हर केस में पीपीटी ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ठीक है? और डू यू थिंक अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? हाँ, तो नया कुछ फॉर्म हो रहा है, तो जब भी नया कुछ फॉर्म हो रहा हो तो क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है? Why should we put a cork in the mouth of the flask? Cork हम लोग क्यों रख रहे हैं? Cork हम लोग इसलिए रख रहे हैं ताकि कुछ gaseous component अगर बन रहा हो तो वो बाहर नहीं निकले, ठीक है? Reaction हो सकता है, इस particular case में तीनों में नहीं बन रहा है कुछ gaseous component, लेकिन अगर बन सकता है तो इसलिए हम लोग flask बंद करके रखते हैं ताकि gaseous component अगर कोई है तो वो बाहर नहीं निकले, ठीक है? फिर does the mask of the flask and its content change? तो क्या आपको लगता है mask change होगा कि नहीं? ये दोनों केस में आपने वेट किया, पहले इस केस का वेट किया, ठीक है? दिस इज योर केस 1, ठीक है? जब आपने रिएक्शन कराने के पहले दोनों रिएक्टेंट का वेट किया, ठीक है? फिर दिस इज योर केस 2, जो आपने क्या किया? रिएक्शन करवाने के बाद दोनों का वेट किया, ठीक है? तो दोनों केस में क्या होगा? मास अलग अलग होगा या मास कम होगा? हाँ, अलग अलग होगा या फिर सेम होगा? सर, सेम होगा। क्यों? क्यों सेम होगा? सर, क्योंकि उसमें कुछ नया ऐड नहीं हुआ। कुछ नया ऐड नहीं हुआ और हमने ऊपर से कॉर्क किया है तो कुछ इसमें से yes. बाहर भी नहीं गया, ठीक है? yes. तो जब तक बाहर से कुछ आए नहीं या फिर अंदर से कुछ जाए नहीं तो क्या होता है? मास सेम रहता है, ठीक है? Yes.
यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है पूछे हम? यस सर। चलो ठीक है, तो ये आपका प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, जो भी है। यस सर। इसको थोड़ा अच्छा से बनाओ, इसको प्लैनेट अर्थ जैसे ही दिखना चाहिए। अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा प्लैनेट अर्थ, इसको ब्लू कलर से करते हैं, ठीक है? ओके, तो ये आपका क्या था? प्लैनेट अर्थ था, ठीक है? यस सर। यहाँ से एक सैटेलाइट उड़ा, ठीक है? सैटेलाइट भी ड्रॉ करते हैं। सैटेलाइट समथिंग लाइक दिस। और इस सैटेलाइट के अंदर क्या था? एक आदमी था, ठीक है? और उस आदमी का वेट कितना था? 70 केजी, ठीक है? सैटेलाइट का वेट कितना था? 30 केजी, ठीक है? तो ये सैटेलाइट के अंदर ये आदमी घुसा और ये आउटर स्पेस में चला गया, ठीक है? जब ये आउटर स्पेस में गया तो उसको लगा कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है और हमको क्या करना चाहिए? अपना वेट लॉस करना चाहिए, ठीक है? Yes, तो इसने क्या किया? अंदर एक ट्रेडिंग मशीन था इसके पास, उस पर इसने जॉगिंग करना शुरू किया, ठीक है? जॉगिंग किया इसने, जॉगिंग किया, जॉगिंग करते करते क्या हो गया? ये बहुत पतला हो गया, ठीक है? अब इसका वेट हो गया 50 केजी, ठीक है? यस सर। तो अभी सैटेलाइट का वेट कितना होगा सर? 30 केजी। सोच के बताओ। सर वो आदमी सैटेलाइट के अंदर ही है ना? आदमी सैटेलाइट के अंदर ही है। सर 80 केजी? 80 नहीं, 80 कहाँ से? थर्टी केजी बोला आपने, रॉन्ग है। 80 केजी बोला, ये भी रॉन्ग है। और बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो। सैटेलाइट का वेट क्या होगा? अंजलि कहाँ चली गई? प्रत्युष आपको कुछ सोचने को मिला? नो सर। जी आपको? चलो ठीक है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2, ठीक है? ये सोच के आना आप लोग इसका वेट क्या होगा। यस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, आप लोग का संडे का जो टेस्ट पेपर था वो अभी डिस्कस नहीं हुआ ना? पिछले बार जो टेस्ट हुआ था पिछले वीक। नो सर। इसको हटाएं स्क्रीन पर सर। यस सर।
कब हुआ था? बहुत पहले हुआ था क्या? तो कौन कौन है मीटिंग में? प्रत्युष और खुशी। अंजलि कहाँ चली गई? अंजलि जस्ट वेट अ मिनट। और आप लोग फिर मैच करो और बताओ क्या क्या गलत हुआ। ठीक है, तो 1 का B, ठीक है, 2 का C, 3 का D, 4 का D, 5 का C, 6 का C, 7 का A, 8 का C, 9 का D। ठीक है, मैच करो जल्दी, कितना करेक्ट हुआ कितना इनकरेक्ट। हर एक करेक्ट पे आपको +4 देना है, ठीक है, और हर एक इनकरेक्ट पे -1 करना है, ठीक है, और अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 देना है। जल्दी से ये 9 क्वेश्चन का मार्क्स बताओ। प्रत्युष का अपना बताओ, प्रत्युष का बताओ खुशी, और अंजलि का बताओ प्रत्युष। सर 27। 27। अच्छा, और आप खुशी का, प्रत्युष का, खुशी प्रत्युष हेलो खुशी, हाँ कैलकुलेट कर ली। उसे प्रत्युष का आंसर की मेरे पास है इधर। कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ? ये थर्ड नंबर गलत हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था? थर्ड नंबर और एट नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? नंबर फाइव, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाई सल्फर, तो ये क्या होगा? होमोजेनस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा ना? होमोजेनस थोड़ी टिंडल इफेक्ट शो करता है। यस, ये कैसे गड़बड़ कर दिया। और फिर क्या था क्वेश्चन नंबर एट? क्वेश्चन नंबर एट, टू सब्सटेंसेस ए एंड बी वेर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस ए टू बी, अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द रिएक्शन इज इनकरेक्ट। अच्छा, ये आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। The product A to B shows the properties of A and B. ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट बताइए प्रत्युष। A to B जो होगा वो A और B की प्रॉपर्टीज को शो करेगा? नो सर, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है। द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड, सर ये इनकरेक्ट है। द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट, सर इनकरेक्ट। सर ये क्यों छोड़ दिया था आपने? डी हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके, तो प्रत्युष और अंजलि दोनों का टाई हो गया। अंजलि ने क्या क्या गलत किया है? सर 3 और 4। 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सर 4 अटेम्प्ट ही नहीं किया है। 4 अटेम्प्ट नहीं किया,
tincture of iodine has antiseptic properties. The solution is prepared by. तो ये tincture of iodine हम लोग उधर use करते हैं क्या बोलते हैं hospital वगैरह में और ये iodine and alcohol का mixture होता है ठीक है. This is the information you can remember. Okay. तो हम clear कर रहे हैं screen को. ठीक है चलो आगे discuss करते हैं. Question number 10. Suggest a method to separate the following. बताइए एक आंसर क्या होगा. खुशी आप बताइए प्रत्युष ने क्या लिखा है. हाँ एक आंसर क्या लिखा है. 10 नंबर क्वेश्चन. ए एक इन्होंने लिखा है मरकरी एंड वाटर का डिस्टिलेशन. मरकरी और वाटर को हम लोग डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट करेंगे. मरकरी और वाटर में डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी. ठीक है तो नीचे आपका क्या होगा. ये मरकरी है. मरकरी इस कलर का होता नहीं है ग्रे कलर का होता है. तो फिर भी आप लोग मान लो ये ग्रे कलर है. ठीक है और इसके ऊपर क्या होगा. वाटर आपने लिखा है डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में मतलब इसको हीट करेंगे. तो आपको क्या लगता है पहले मरकरी बॉईल करेगा कि पहले वाटर. सर वाटर. हाँ तो फिर कैसे सेपरेट हो जाएगा. यहाँ पे हीट तो मरकरी हो रहा है ना. यस सर. डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट करेंगे इसको. अंजलि ने क्या लिखा आंसर आप बताइए. सर सेडिमेंटेशन प्लस डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन नहीं. सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन तो तब होता है जब दो सॉलिड एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर हो. सेडिमेंटेशन प्लस डिकेंटेशन दिस वी यूज व्हेन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड ठीक है along with the liquid. लेकिन तो stopcock. Stopcock होगा करेक्ट आंसर. ठीक है यहाँ पे दो immiscible liquid है उनकी डेंसिटी अलग अलग है तो stopcock और या फिर separating funnel जो हम लोग यूज करते हैं. ठीक है दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड इनको कैसे सेपरेट करेंगे. सब्लिमेशन. सब्लिमेशन. हेलो खुशी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं. हेलो खुशी आपको सुनाई दे रहा है. यस सर. हाँ बताइए इसका क्या आंसर लिखा है प्रोड्यूस ने. डब्बे के अंदर विटामिन है. सब्लिमेशन. वन सब्लिमेशन. ठीक है सब्लिमेशन. ठीक है थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ. कॉमन सॉल्ट वाटर एंड सैंड इसका कैसे करेंगे. सर सेडिमेंटेशन देन डिकेंटेशन देन इवापोरेशन. सेडिमेंटेशन देन डिकेंटेशन. डिकेंटेशन देन इवापोरेशन. तो आपने पहले क्या किया सेडिमेंट किया. ठीक है तो सेडिमेंट करने पे क्या हो गया. ये हमारा सैंड इधर आ गया और पानी में अपने पास क्या मिल गया. वाटर प्लस सैंड सॉल्ट. ठीक है फिर आपने इसका क्या किया डिकेंटेशन कराया. ठीक है तो एक तो आप सीधे डिकेंटेशन करा सकते हैं या फिर उससे भी बेटर है फिल्टरेशन. ठीक है यहाँ पे आप एक फिल्टर पेपर लगा दो. ठीक है क्या होगा उस पर आपका सारा सैंड जो है वो इधर रुक जाएगा और जो वॉल्ट और वाटर और सॉल्ट है वो इधर नीचे चला आएगा. अब फिर इसका आप इवेपोरेशन करा दो जिसमें आपको सॉल्ट और वाटर अलग अलग मिल जाएंगे. ठीक है बट दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन से ही कर सकता है. ओके खुशी आप बताइए प्रत्युष ने कहा आंसर लिखा है. इवेपोरेशन एंड फिल्ट्रेशन. इवेपोरेशन एंड फिल्ट्रेशन
ये तो गड़बड़ कर दिया आपने, पहले अगर इसका इवेपोरेशन कराएंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन कराएं तो आपका वाटर उड़ गया, ठीक है। अब आपके पास मिक्सर बचा सॉल्ट और सैंड का, इसको कैसे फिल्ट्रेशन से आप सेपरेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है प्रत्युष? यस सर। तो ऑर्डर इसलिए मैटर करता है यहाँ पे, पहले हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे फिर इवेपोरेशन करेंगे, ठीक है। यस सर। लास्ट क्वेश्चन, किरोसिन ऑयल वाटर एंड सॉल्ट, इसका क्या लिखा है, कुछ आप बताइए। स्टेप कॉक, उसके बाद इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। तो स्टॉप कॉक से क्या होगा आप बताइए खुशी, अगर इसमें इस मिक्सर में हम स्टॉप कॉक का यूज करेंगे तो नीचे अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास ये मिक्सर है, मिक्सर के अंदर ये तीनों चीजें किरोसिन ऑयल है, वाटर है और सॉल्ट है, ठीक है। आपने इसको स्टॉप कॉक से यूज किया तो खुशी बताइए इसमें नीचे क्या आएगा अपने पास, वाटर एंड किरोसिन ऑयल। वाटर एंड किरोसिन ऑयल कैसे आएगा, अच्छा इसमें सॉल्ट किस में डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा कि केरोसिन ऑयल में, वाटर में, ठीक है। सॉल्ट तो अपने पास घुला हुआ है, ठीक है, और सॉल्ट और वाटर और केरोसिन ऑयल में हल्का कौन है, वाटर की केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल देखा है ना हमारे घर में जो होता है ऑयल, यस सर, हाँ, तो वाटर के ऊपर वो तैरता है कि मतलब नीचे चला जाता है पानी के, वाटर के ऊपर तैरता, तो ये आपका हो गया ऑयल, ठीक है, और इसके नीचे होगा पानी, ठीक है, ब्लू कलर का, ठीक है, यस सर। और पानी में क्या होगा, पानी में सॉल्ट हमारा मिक्स होगा, यस सर। तो जब स्टॉक को आप खोलेंगे तो किरोसिन ऑयल थोड़ी गिरेगा, वाटर गिरेगा ना, यस सर, ठीक है। तो नीचे आपको क्या मिलेगा, वाटर प्लस सॉल्ट, और ऊपर क्या मिलेगा, किरोसिन ऑयल, ठीक है। ओके चलो, ओके, स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लो फिर हम जल्दी से क्लियर करते हैं इसको। वेरी क्लियर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। Which of the following will be more efficient as a condenser? बताइए कौन सा ज़्यादा efficient होगा? Sir, A. A, क्यों? बताइए. This is your A, this is your B. A ज़्यादा अच्छा condenser है, why? अंजलि सर ये नहीं पता, हमने बताया था क्लास में, प्रत्युष आप बताइए। सर क्योंकि इसमें ग्लास बीड्स हैं, ग्लास बीड्स है तो उससे क्या हो गया, ग्लास बीड्स हमने डाल दिए तो उससे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया, देखो हमने क्लास में क्या बताया था कि हमारा जो इवेपोरेशन कंडेंसेशन ये सब होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, ठीक है। तो ग्लास बीड्स डालने से आपने क्या किया, सेम ही वॉल्यूम में आपने सरफेस एरिया बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। Yes, जैसे इसका अगर आप सरफेस एरिया निकालो तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो बाहर वाला बाउंड्री है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका पूरे का एरिया, ठीक है। Yes, sir. और इसके अंदर जो लिक्विड होगा, लेट अस से ये आपका क्या है, ब्लैक पेंसिल लिक्विड, हम ठीक है, ये आपका लिक्विड गया, ठीक है, बहुत सारा लिक्विड है, बहुत सारा लिक्विड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कितने एरिया में ये लिक्विड हमारा फैल रहा है, बस ये जो बाहर का एरिया है जिसको हम कलर कर रहे हैं, ठीक है, ब्लैक कलर से, तो बस इतना एरिया अवेलेबल है हमारे पास कंडेंसेशन के लिए, ठीक है। यस सर। जबकि ग्लास बीड वाले में ये बाहर वाला जो एरिया है ये तो अवेलेबल है ही, इसके साथ साथ अंदर से जब आपके ये फ्लो करेगा लिक्विड इधर से ठीक है, इन बॉल्स के बीच में से होके गुजरेगा, तो ये सब भी तो एक तरह से कॉन्टेक्ट एरिया आ गया ना बहुत सारा,
यस सर समझ में आ रहा है सबको यस सर यस सर तो इसके कारण इसका क्या हुआ एरिया बढ़ गया कॉन्टेक्ट एरिया क्या हुआ कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया तो इसके कारण क्या हुआ कंडेंसेशन ज्यादा नहीं होगा जल्दी होगा ठीक है ज्यादा नहीं होगा एक किलो पानी है तो एक किलो बर्फ ही मिलेगा लेकिन जल्दी मिल जाएगा ठीक है सर 1 kg वाटर कैसे हो सकता है नहीं हो सकता सर वाटर तो लीटर में ना मापा जाता है लीटर में तो उसका वॉल्यूम नापता है मास नहीं होगा क्या किसी मास तो किसी भी चीज का होता है गैस का भी मास होता है yes, sir. तो दिस कंडेंसेशन हैपेंस फास्टर ठीक है कंडेंसेशन हमारा जल्दी होगा तो इसलिए हमारा इफेक्टिव कंडेंसर ठीक है सबको समझ में आया ये चीज यस सर यस सर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम अ सॉल्यूशन सजेस्ट अनदर टेक्निक हां बताइए सम अदर टेक्निक क्या है सर क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन ठीक है करेक्ट Question number 13. The sea water can be classified as homogeneous always as well as heterogeneous mixture. Comment. बताइए. Sea water को homogeneous भी बोल सकते हैं, heterogeneous भी बोल सकते हैं. क्यों? बोलिए बोलिए. कुछ answer लिखा होगा आप लोगों ने. क्या लिखा है? Yes, sir. क्या लिखा है बताइए सर सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटरोजेनस मिक्सचर बोथ एज द साल्ट डिसॉल्व इन द वाटर मेक्स इट होमोजेनस एंड द इंप्योरिटीज इन इट मेक्स इट हेटरोजेनस अच्छा तो इसके कारण जो सॉल्ट है सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है सॉल्ट प्लस वाटर दैट मेक्स इट होमोजेनस ठीक है उसका कंपोजिशन थ्रू आउट क्या होगा यूनिफॉर्म होगा लेकिन इसके अलावा भी सॉल्ट वाटर में और भी क्या क्या होता है और भी चीजें होती है ठीक है जिसके अंदर जैसे लेट अस से मड हो सकता है ठीक है इसके अंदर और क्या हो सकता है और इसके अंदर कुछ प्लास्टिक हो सकता है डिकेड कुछ सड़ा हुआ कुछ सामान हो सकता है डिकेड रिमेन्स हो सकता है किसी प्लांट्स का ठीक है प्लास्टिक हो सकता है ठीक है जूता हो सकता है किसी का ठीक है पन्नी हो सकता है पॉलिथीन ठीक है तो इस तरह से ये सब जो चीज होगा ये इसको क्या बनाता है हेटरोजेनस बनाता है ठीक है सबको क्लियर है यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस इज अलाउड टू कूल एट रूम टेंपरेचर क्या देखने को मिलेगा सर क्रिस्टल्स विल बी फॉर्मड ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हां क्रिस्टल्स क्या होगा पोटेशियम क्लोराइड का सेपरेट हो जाएगा ठीक है ओके aqueous solution is heated to dryness aqueous sugar solution is heated to dryness kya hoga sir crystals of sugar will be formed nahi yahan pe kya hoga crystal form nahi hoga dekho crystal kab form hota hai jab aapko uske room temperature se upar usko garam karke pura saturated solution banao theek hai aur fir usko thanda karo tab aapko crystal milega theek hai lekin is case mein usne kya kiya saturated solution nahi banaya bas ek aqueous solution bana ke usko heat kar diya ठीक है तो उसमें क्या होगा दिस इज नॉर्मल केस ऑफ इवेपोरेशन दिस इज नॉट क्रिस्टलाइजेशन ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा इवेपोरेट होगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा शुगर ठीक है और फिर अगर आप उसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा बोलो क्या होगा तो वाटर विल इवेपोरेट नहीं वाटर तो इवेपोरेट कर गया शुगर बचा फिर फर्दर उसको हीट करेंगे शुगर पाउडर विल बी लेफ्ट शुगर पाउडर विल बी लेफ्ट नहीं ठीक है शुगर पाउडर विल बी लेफ्ट उसको हम हीट कर रहे तो क्या होगा शुगर हमारा जल जाएगा ठीक है जल के काला हो जाएगा उसको हम लोग चार्ड बोलते हैं ठीक है CHARRED ठीक है चार्ड ओके यस सर mixture of iron fillings and sulfur powder is heated strongly is case mein kya hoga sir a compound will be formed iron ko aapne heat kiya kiske sath sulfur ke sath to kya banega aapko ek compound ban jayega that is ferrous sulfide
तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्लियर करते हैं। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 में क्या कह रहा है हमारे पास? Explain why colloidal solution does not settle down when left to stir, while in case of substantial reduction. बताइए, what is the reason? So the particles of a colloid are too small to be compared with the suspension's particle. When a solution of colloid is made, solvent and their size, mass, then the particles mix with the particles of solvent, and this size and mass being bigger and heavier or equal to the particles of solvent, they don't settle down. While in the case of suspension, the particles being heavier and big than the particles of solvent settle down. So this is one reason. ये reason क्या है हमारा? कि उसका साइज छोटा होता है, ठीक है, तो इसके कारण वो सेटल नहीं होता। रीजन वन इज, सो देयर आर टू रीजंस, ठीक है। फर्स्ट रीजन इज बिकॉज साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, इज लेस इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल, ठीक है। तो इसी कारण ये क्या होता है, सस्पेंशन सेटल कर जाता है और कोलाइडल सेटल नहीं करता, ठीक है। दिस इज वन रीजन। Second reason is because intermolecular interaction in suspension is not strong enough to keep the particle suspended. Okay, so जो suspension है, let us say ये आपका suspension और ये आपका क्या है, colloid. तो suspension को हम yellow color से denote कर रहे हैं. दोनों solution में क्या है, आपका पानी है, ठीक है. Solution में बड़े बड़े particles आपको मिल रहे हैं, जिसमें suspension है. व्हाइट से हम डिनोट करेंगे इसको, कोलाइड को, तो इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं और इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है। दिस इज योर व्हाट, कोलाइड, ठीक है। तो दो सस्पेंशन पार्टिकल के बीच जो इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, वो स्ट्रांग नहीं होता इन मॉलिक्यूल्स को साथ में रखने के लिए, ठीक है। इन दोनों के बीच जो फोर्स है, ठीक है, that force is very weak, ठीक है। तो फोर्स वीक है, इसलिए वो लोग सस्पेंशन में उसको मेंटेन नहीं कर पाता और ये क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, ठीक है, उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, दिस डजंट सेटल डाउन। This is the second one. Yeah. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. The next question: smoke and fog both are aerosols. In what way they are different? बताइए. बताइए अंजलि. Yeah, sir. Smoke. हाँ बोलो. Sir, smoke and fog both are aerosols, but smoke is such a aerosol in which the solid particles are suspended in gas, but in fog the liquid particles are dispersed in gas. Which particle is disturbed in what? In smoke. So liquid particles are dispersed in gas. In fog. Yes, sir. So dispersed phase is liquid or solid? Liquid. So this is liquid in gas
And this is solid image. Okay. Now classify the following as physical or chemical properties. ये तो कर दिया होगा आप लोगों ने. एक आंसर क्या होगा? Composition of steel is this, this, this. This is a physical property or chemical property? Sir, I think physical and chemical both. How? Sir, because an alloy is formed in which no chemical reaction is taking place, but it's a physical change also because this change cannot be reversed. Physical, ठीक है. Chemical कैसे? Sir, because this change cannot be reversed. हाँ, इसको reverse नहीं कर सकते. नहीं हम लोग कर सकते. Steel से वापस you can get iron. इन वन सेंस इट इज केमिकल ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे कुछ हद तक क्या होता है केमिकल रिएक्शन भी क्या होता है होता है ठीक है तो आयरन और कार्बन मिलके कुछ कार्बाइड्स बनाते हैं ठीक है लाइक दिस सो यस इन वन सेंस इट इज केमिकल रिएक्शन ऑल्सो लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया गया है यहाँ पे आपको अलॉय फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया गया ठीक है अलॉय फॉर्मेशन इज केमिकल रिएक्शन दैट इज ट्रू ठीक है लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी इज कॉम्पोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ यहाँ पे बस कॉम्पोजिशन को बताया गया ठीक है सो दिस प्रॉपर्टी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है यस सर तो फॉर्मेशन ऑफ अलॉय वो जो प्रोसेस पूछा जाएगा सो दैट इज अ केमिकल चेंज ठीक है लेकिन यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है कॉम्पोजिशन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे वाटर का अगर आप कॉम्पोजिशन बनाते हो ठीक है वाटर में अगर लेटर से कुछ सॉल्ट मिला हुआ है और हमने बोला इसमें 30% क्या है वाटर में अपने सॉल्ट है ठीक है तो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सर फिजिकल फिजिकल ठीक है तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको बस इसका कॉम्पोजिशन बताया स्टील का दैट इज आल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक है यस सर देन कमिंग टू केस बी ये क्या है फिजिकल या केमिकल सर केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी ठीक है डी सॉरी सी सर फिजिकल फिजिकल ठीक है एंड डी सर केमिकल तो ए एंड सी आर योर फिजिकल एंड बी एंड डी आर केमिकल ठीक है ओके तो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट फिर हम इसको क्लियर करते हैं ओके क्लियर करें इसको यस सर यस सर ओके क्वेश्चन नंबर 19 अ टीचर इंस्ट्रक्टेड 3 स्टूडेंट्स ए बी सी टू प्रिपेयर 50% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ए डिसॉल्व 50 ग्राम इन 100 ml बी डिसॉल्व 50 gram in 100 gram water and C dissolve 50 gram of NOH in order to make 50 ml 100 ml of solution. Which of the following has the desired solution? Batao. Sir C. C. क्यों A में क्या problem है? सर आई थिंक सर ए एंड सी सर ए में सर वाटर का वो दिया था हां 50 ml हमारा क्या है वाटर है ठीक है यस सर और उसमें 100 ml वाटर है उसमें 50 ग्राम अगर आपने NaOH डाला तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर 100 ml ही रहेगा सर क्योंकि वाटर अगर हम उसमें मिलाते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता है नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कर भी सकता है
आपके पास अगर 100 ml वाटर है, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, लेट अस से 20 ml कोई और लिक्विड डाल दिया जो इसमें डिसॉल्व करता हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा? यस सर। तो इसी तरह इसमें भी वॉल्यूम हमारा क्या होगा, 100 ml से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस बी, तो सरासर इसने गड़बड़ किया है, 50 ग्राम NaOH को 100 ग्राम वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो इसने क्या गड़बड़ किया है, आपके पास क्या बोलते हैं, सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्वेंट कितना है आपके पास, 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम वाइज आपके पास सॉल्वेंट कितना है, तो नॉर्मली वाटर की जो डेंसिटी होती है, पता है किसी को कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है, तो 100 ग्राम अगर उसने वाटर लिया, मतलब कितना वाटर लिया है, 100 ml वाटर लिया है, ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी इज वॉल्यूम, ठीक है, तो ए और बी ने बेसिकली, क्या किया, सेम ही काम कर दिया, ठीक है, तो इसलिए दोनों ने गड़बड़ किया। सी ने, सी इंटेलिजेंट है, ठीक है, 50 ग्राम लिया और टोटल वॉल्यूम 100 ml बना, ठीक है, तो ये हमारे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 50% आएगी, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 20, बताओ नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड इन द फॉलोइंग, 20 का ए क्या होगा, ड्राई आइस इज केप्ट एट रूम टेंपरेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होगा यहां पर सर, सब्लिमेशन। सर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, ड्राई आइस क्या होता है, हमारा सॉलिड CO2 होता है, उसको एयर में डालो, सीधे वेपर में बनता है, then next is your drop of ink is placed on the surface of water contained in a glass is placed throughout the water, ye kya hai, jaldi jaldi bolo aap log sir, diffusion, diffusion, theek hai, okay, next pratyush batayega, a potassium permanganate crystal in a beaker and water is poured into, ye kya hai sir, diffusion, diffusion, theek hai, डिफ्यूजन है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जब लिक्विड में किसी चीज का डिफ्यूजन हो तो हम लोग उसको डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज योर, हाँ अंजलि आप बताइए इसका, एसीटोन वाटर इज लेफ्ट होता है सर, इवापोरेशन, इवापोरेशन, ओके, प्रत्युष ई, सर सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, अच्छा खुशी भी है ना, खुशी आप बताइए, एफ एफ का आप बताइए, सेटलिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर व्हेन इट इज लेफ्ट ऑन मिक्सचर, हेलो खुशी आपको सुनाई दे रहा है, हेलो खुशी का आई थिंक कनेक्शन भी, ओके, सेटलिंग ऑफ सैंड ये क्या है, सेडिमेंटेशन है, ठीक है, सबको पता है, यस सर, यस सर, ओके, नेक्स्ट इज योर फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल, ये क्या है हमारा, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यस सर, ओके, next question, you are given a sample a and b, sir g number mein brownian movement hona chahiye na, number g number ka hai, ha brownian movement bhi usi ko bolte hain, actually brownian movement, ha bol sakte hain brownian movement, ओके, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए क्या होगा, बोलिए बोलिए जल्दी, हमारा टाइम नहीं है,
Sir, sample B will not freeze at 0 degree Celsius as the boiling point of water is 100 degree Celsius and its freezing point is 0 degree Celsius. So sample B ke sath problem kya hai? Sir, usme kuch impurities hai. That is not, B is not pure water. Okay. Yes, sir. To quickly take a screenshot, fir hum log aage badhte hain. ले लिया सबने? Yes, sir. नंबर 22 से लेकर अच्छा कितना क्वेश्चन है इसमें बाप रे 40 क्वेश्चंस हैं हम लोग 20 पे पहुंचे हैं 21 22 ओके चलो ठीक है अब जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताना शुरू करो ठीक है 22 प्रत्युष जल्दी Sir, strong gold is highly malleable and ductile. So to make it harder, it is made an alloy with silver or copper. To make it harder. Sir, stronger. Stronger. Achha. करेक्ट ठीक है तो हमारा गोल्ड क्या होता है वो बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है उसको हम लोग ज्यादा इसके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसके साथ कॉपर और सिल्वर का मिक्सचर कर देते हैं ठीक है ओके एन एलिमेंट इज सोनोरस एंड हाईली डक्टाइल बताइए इसका अंजलि आप बताइए सो अदर प्रॉपर्टीज शुड बी हाई डेंसिटी मैलिएबिलिटी Having luster, conducting heat and electricity. Correct. तो ये हमारा metallic property show करेगा, ठीक है? Okay. Then question number 24. A, B, C, प्रत्युष आप बताइए और D और E अंजलि आप बताइए, ठीक है? जल्दी से A का answer बताइए. प्रत्युष. Sir, evaporation. Evaporation. Volatile and non-volatile components. Evaporation, हाँ evaporation या फिर distillation ठीक है करेक्ट ओके सेकंड the distillation two immiscible liquids the stopcock ओके D का आंसर आप बताइए अंजलि सर evaporation evaporation ठीक है ओके two or more colored solution सर chromatography chromatography ओके क्वेश्चन नंबर 25 इसका प्रत्युष बताएंगे इसका अंजलि बताएंगी इसका खुशी बताएंगी और इसका प्रत्युष बताएगा चलो सब अपना अपना क्वेश्चन पढ़ो और फटाक से आंसर बताओ प्रत्युष बताओ पहले का आंसर जल्दी बताओ टाइम नहीं है ज्यादा Sir, heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. ठीक है, correct. This is a heterogeneous mixture. और इसको separate कैसे करेंगे? Sir, ये नहीं लिखा है. तो हम लोग separate करते हैं. Centrifugation. हाँ, centrifugation से करते हैं. Okay. Then Anji, B का आप बताइए. Sir, physical. But different. Physical properties. But they are of same chemical properties. They are chemically the same. Chemically the same. Okay. Khushi, aap C ka bataiye. Chloroform. हाँ पहले में क्या होगा? Will be that of. Chloroform. नहीं ऐसा नहीं होगा. क्लोरोफॉर्म क्या क्वेश्चन
एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ओके, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म और वाटर इज टेकन इन अ सेपरेटिंग फनल। तो क्लोरोफॉर्म और वाटर में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है पता है किसी को? क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो हमारा नीचे क्या होगा? नीचे हमारा क्लोरोफॉर्म बचेगा, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, और ऊपर क्या होगा? पानी 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 पानी, दिस इज योर पानी, ठीक है। तो पानी क्या होता है CHCl3 के कंपैरिजन में? हल्का होता है, तो ये ऊपर तैरेगा, ठीक है। अपर लेयर इन द मिक्सचर विल बी दैट ऑफ पानी, ठीक है, एंड लोअर लेयर विल बी दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर डी बताइए जल्दी सर। सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया सबने? हाँ बोलो। यस सर। चलो और भी ई का बताइए आंसर। व्हेन अ लाइट इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेटल शुड दिस इज ड्यू टू बोलो प्रत्युष आप बताओ, ये अंजलि आप बताओ, ये खुशी आप बताओ। ओके प्रत्युष इसका आंसर सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अंजलि इसका आंसर सर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ठीक है। खुशी इसका आंसर हेलो खुशी खुशी है कि नहीं? हेलो खुशी आपको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? देखो तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, मिलके सर कोलाइडल सॉल्यूशन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 26 प्रत्युष बताइए। बोलिए प्रत्युष। Sir, it will be a mixture because the two components are not mixed in a definite proportion. नहीं, ये mixture नहीं होगा। अंजलि आप बताइए। Sir, pure substance because the chemical properties of sucrose will be the same. तो sucrose आप उसको चीनी से निकालिए या फिर sugar cane से निकालिए, beetroot से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, ठीक है? Sucrose sucrose होता है। Sucrose will be C12H22O11, ठीक है? Irrespective of the source, sucrose is sucrose. तो एक sucrose ऐसा नहीं है कि इंडिया से लाए और दूसरा पाकिस्तान से लाए sucrose, तो वो दोनों आपस में मिक्सर बनाएंगे। नो, sucrose is sucrose. तो sucrose आप कहीं से भी लाओ वो एक ही कंपाउंड रहेगा, so that will be a pure substance, not a mixture. समझ आया? Yes sir. Yes. Okay. Question number 27, Anjali. Sir, passing of light from a solution of milk and water. हाँ चलेगा। Observing surrounding में वो मतलब ऐसा कुछ room का light का example दे। Okay. Question number 28. प्रत्युष जल्दी बताइए। प्रत्युष जल्दी बताइए। Then no. No, why? Because the density of water and alcohol are the same. Density of water and alcohol are same. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. Sir, because both of the two liquids are miscible with each other. हाँ, ये सब क्या होते हैं? आपस में dissolve हो जाते हैं. जैसे TV पे आप लोगों ने देखा होगा, पानी में दारू डाल के पीते हैं ना?
यस सर तो लेयर दिखता है उसमें या फिर मिक्स हो जाता है मतलब दारू होता है और वाटर मतलब पानी होता है यस सर क्या होता है आपस में मिक्स हो जाता है यस सर क्वेश्चन नंबर 29 प्रत्युष आता है जल्दी जल्दी सर इट इज अ केमिकल चेंज वेरी गुड ठीक है ओके अंजलि आप पार्ट भी बताइए सर पार्ट भी नहीं पता सर हम बताएं हाँ बताइए सर 2HCl प्लस CaO 2HCl प्लस CaO CaO हाँ ये क्या बनाएगा गिव्स H2O प्लस CaCl2 2O प्लस CaCl2 ठीक है तो इसमें एसिडिक क्या हुआ बेसिक क्या हुआ हाँ देखो ये जो हमारा कंपोनेंट है CaCO3 इसको हमने हीट किया क्या मिल गया अपने को CaO प्लस CO2 ठीक है यस सर CaO का नेचर कैसा है एसिडिक है कि बेसिक है सर बेसिक बेसिक है ठीक है CO2 का नेचर कैसा है एसिडिक है कि बेसिक है सर दोनों में से कोई नहीं है एसिडिक नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं एसिडिक होते हैं मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं ठीक है यस सर तो आपको क्या करना है इस बेसिक कंपाउंड से एक बेस बनाना है और इस एसिडिक कंपाउंड से एक एसिड बनाना है तो सिंपल सा काम करना है आपको पानी डाल दो ठीक है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CaOH2 ठीक है दिस विल बी अ बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है और CO2 प्लस H2O इसमें भी पानी डाल दो क्या बन जाएगा H2CO3 ठीक है दिस इज योर कार्बोनिक एसिड ठीक है समझ में आया सबको यस सर यस सर तो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में ले लिया सबने स्क्रीनशॉट यस सर यस सर क्वेश्चन नंबर 30 and 31 क्वेश्चन नंबर 30 हाँ बताइए नेम अ लस्ट्रस नॉन मेटल कौन सा मेटल नॉन मेटल लस्ट्रस होता है अंजलि आप बताइए सर डायमंड डायमंड हाँ डायमंड भी कह सकते हैं और कोई नॉन मेटल जो लस्ट्रस सर ग्रेफाइट नहीं ग्रेफाइट लस्ट्रस नहीं होता आयोडीन लस्ट्रस होता है ठीक है यस ओके नेम अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बताइए प्रत्युष सर ब्रोमीन ओके एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ अ नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा फॉर्म है अंजलि सर ग्रेफाइट प्रत्युष आप ई का बताइए नॉन मेटल अदर देन कार्बन व्हिच शोज एलोट्रोपी एलोट्रोपी पता है सबको नो सर नो सर नहीं पता ये तो बोल रहा है एलोट्रोपी क्या होता है एलोट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी बाय व्हिच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म ठीक है तो जैसे कार्बन हमारा अलग अलग एलोट्रोप्स बनाता है ठीक है कार्बन हमारे अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है कार्बन हमारे ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है कार्बन हमारे डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ठीक है कार्बन हमारे कोक के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है कार्बन हमारे फुलरीन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है इन सब की प्रॉपर्टी क्या होता है फुलरीन फुलरीन क्या होता है ऐसा सवाल करते बहुत कुछ बताना पड़ेगा मेरे को फुलरीन क्लास 10 में पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे अभी जान लो बस कार्बन का एक एलोट्रोप होता है यस सो ओके और कौन से नॉन मेटल्स है जो इस तरह का काम करेंगे ओके तो आपको कार्बन के बारे में नहीं पता तो बाकी के बारे में भी नहीं पता होगा तो एक हमारा सल्फर होता है ठीक है
सल्फर हमारे तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा सल्फर, ठीक है, बीटा सल्फर, सॉरी चार फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गामा सल्फर और डेल्टा सल्फर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क नंबर 3 है, इन सब के बारे में आपको पता करना है, ठीक है। अल्फा सल्फर क्या होता है, बीटा सल्फर क्या होता है, गामा सल्फर क्या होता है, ठीक है। यस सर। ओके। और एक और नॉन मेटल है जो इस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है एलोट्रॉपी का, दैट इज फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस हमारे तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये आपका होमवर्क नंबर 4 हो गया, ठीक है। आपको इन सब एलोट्रॉप्स के बारे में क्या करना है, पता करना है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी बचा था, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर बताओ प्रत्युष। व्हिच नॉन मेटल फॉर्म्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स? बोलो 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 बोलो। नहीं पता। आंसर होगा कार्बन, ठीक है। कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, इतने ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है कि बस कार्बन के कंपाउंड्स के लिए आधा केमिस्ट्री है और बाकी आधे केमिस्ट्री में बाकी पूरे एलिमेंट्स का आता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री आप आगे के क्लास में जाओगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बस कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाता है, कार्बन के अलावा जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है सबका कंपाउंड किस में आ जाता है, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। सो दिस इज अ नॉन मेटल व्हिच इज नोन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर एफ, व्हिच नॉन मेटल इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन? तो सबको पता होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हम लोग क्लियर करते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। Taken, sir. Okay. Classify the substances into elements and compounds. Okay. तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट जो है उसको रेड कलर से घेरा कर देता है, ठीक है। अब बताओ कॉपर क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है? एलिमेंट, एलिमेंट है, ठीक है। सैंड कंपाउंड, कंपाउंड। जिंक एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट, मरकरी एलिमेंट, एलिमेंट, डायमंड एलिमेंट, इसके अलावा बाकी सब क्या है, कंपाउंड है। ओके, तो इसको हम क्लियर कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स, बताओ जल्दी जल्दी। क्लोरीन कंपाउंड है? No, sir. Potassium chloride? Yes, sir. Iron? No, sir. No, sir. Iron sulfide? Yes, sir. Yes, sir. Aluminium? No, sir. No, sir. Iodine? No, no sir. Carbon? No, sir. No, sir. Sulfur dioxide, sulfur powder? Yes, sir. No, sir. No, sir. ये जो हमने इन सर्कल किया है, ये सब क्या है हमारे, दीज आर नॉट कंपाउंड। ओके, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया सबने? यस सर। यस सर। ओके, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.